साथियों, जलियांवाला बाग और जनरल डायर के बारे में पहले पढ़ा था, पहले सुना था। आज अपनी जिंदगी में जलियांवाला बाग भी देख लिया और जनरल डायर भी देख लिया। आज खनौरी बॉर्डर पे, जहाँ पे 13 तारीख से आंदोलन चल रहा है खनौरी और शंभू बॉर्डर पे, तो आज खनौरी बॉर्डर पर जो घटना घटित हुई, मतलब विचलित करने वाली थी। वो हमने अपनी आंखों से लाइव देखी, दिल को दहलाने वाली थी। मतलब जिस तरीके का एक ये व्यवहार कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। आज किसानों पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, कल दूसरे वर्गों पर होगा, फिर तीसरे वर्ग पर होगा, हर वर्ग को इस तरीके से निशाना बनाया जाओगा। या जो मोदी सरकार है, या भारत के लोकतंत्र को ऑलरेडी अपने जूतों के नीचे कुचल चुकी है। जो बचा खुचा 5-7-10% लोकतंत्र रह रहा है, उसने भी अपने जूता के नीचे ही कुचलन लाग रहे हैं। ये देश की जनता ने तय करना, ये देश की जनता ने लोकतंत्र के लिए, किसानों के लिए खड़ा होना है, या फिर तानाशाहियों की, तानाशाह करने वाले लोगों की सपोर्ट में रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब हरियाणा पुलिस मतलब धड़ल्ले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जान लाग रही है। हरियाणा पुलिस 315 बोर के, 32 बोर के, 12 बोर के, 21 ने अलाउ कर दिए ये फायर करने। गैर कानूनी असले वो इस्तेमाल करने लग रहे हैं, जो गैस इस्तेमाल करने लग रहे हैं, वो गैस इतनी जहरीली है, अब भी लोगों के फेफड़िया में दर्द होने लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, वो एकदम से ऑक्सीजन उन्होंने शरीर में खत्म कर दी। और वो लोग आए ट्रॉलियों में, 25-26 हमारे साधन उन्होंने तोड़ दिए। टायर थे, टायर फाड़ दिए उन्होंने, जो टैंकर थे, टैंकर उन्होंने पलटा दिए। वो सारी वीडियो है, कैमरों के सामने है वो सारी वीडियो। ट्रैक्टरों की तेल की टंकी की पाइप तोड़ के वो पेट्रोल और डीजल, माफ कीजिएगा, डीजल नीचे उन्होंने गिरा दिया वहां पे। अगर वहां पर कोई गोला पड़ जाता, और अगर कोई धमाका हो जाता, या कोई आग लग जाती, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? मतलब आज जो एक यो चेहरा हमने देखा, मतलब नफरत होगी। और जब तक जिंदगी की आखिरी सांस रहेगी ना इस शरीर में, ऐसी तानाशाही सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। यार बिल्कुल खुल कर कहें भाई, बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके का आज अत्याचार कर रहा है ना, यो अत्याचार कदे जीवन में भूलेंगे नहीं। और मतलब